ये कल्पना करना भी बहुत कठिन है कि कैसे एक पूरा शहर खो सकता है, कैसे एक समृद्ध सभ्यता रहस्यमय ढंग से गायब या लुप्त हो सकती है। लेकिन इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी का शहर से छोड़कर चले जाना या किसी कारणवश शहर को छोड़ना, युद्ध, आर्थिक उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और कई बार अपनी खुद की सफलता के शिकार हो जाते हैं लोग, जिसकी वजह से पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा उनमें से कई शहर जिनको छोड़ दिया जाता है और जो निर्जन प्राचीन शहर बन जाते हैं और उन्हें प्राकृतिक अपने कब्जे में ले लेती है। जो भी कारण हो, पर ये महान शहर समय की रेत में खो गए और समय के साथ इनको भुला दिया। परंतु ऐसे खोए हुए शहरों की खोज करने वाले खोजकर्ताओं द्वारा आधुनिक पुरातात्विक तकनीकों का उपाय करके सदियों बाद इन शहरों को फिर से खोजा गया और अब ये दुनिया के सामने है। सो आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया से गायब हुए ऐसे ही 11 शहरों के बारे में बताएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। सो वेलकम टू K2WN फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान। दुनिया के प्राचीन लुप्त शहरों में से एक शानदार योजनाबद्ध शहर मोहनजोदड़ो 1922 में अपनी खोज से पहले लंबे समय तक खो गया था। खुदाई से पता चलता है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक है। 2600 ईसा पूर्व बना यह शहर सिंध पाकिस्तान में है। यह अपनी जटिल योजनाबद्ध व्यवस्था, अविश्वसनीय संगठित संरचनाओं और जटिल जल और सफाई व्यवस्था के कारण दुनिया की सबसे विकसित शहरी व्यवस्था वाला शहर हुआ करता था। अद्भुत शहर के निर्माण के लिए आग से पकी हुई ईंटों का उपयोग किया गया था और इन सभी इमारतों और खंडहरों में महान स्नान घर की संरचना सबसे प्रसिद्ध है। माचू पिचू, पेरू। जुलाई 1911 में अमेरिकी इतिहासकार हीराम बिंघम पेरू में प्राचीन इंका बस्तियों का दौरा कर रहे थे। तब उन्होंने लुप्त शहर माचू पिचू की खोज करी। इसे ओल्ड पीक कहा जाता है। बिंघम और उनकी टीम पहाड़ की चोटी पर मानव निर्मित और सदियों से भूले हुए पत्थरों के शहर की खोज करके चकित रह गए। ये माना जाता है कि शहर को 1450 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। इसमें 200 इमारतों में लगभग 750 लोगों की आबादी थी। सूखे पत्थरों से निर्मित इन इमारतों में इत्तीवतन, एक तरह की सनडायल, सूर्य का अर्ध गोलाकार मंदिर शामिल है। 1532 से 1572 के बीच इस शहर को छोड़ दिया गया और साथ ही दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक रहस्यमय तरीके से ये लुप्त हो गया। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया। पेट्रा, जॉर्डन। जॉर्डन की लाल, गुलाबी और सफेद बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर उकेरी गई ऐतिहासिक पेट्रा निसंदेह दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक खोई हुई सभ्यता स्थलों में से एक है। इसे 1812 एडी में खोजा गया था। जॉर्डन शहर एक संपत्र व्यापार केंद्र था जिसे नबाटायन साम्राज्य द्वारा निर्मित किया गया था। ये खूबसूरत रॉक कट वास्तुकला, अद्भुत जल प्रबंध प्रणाली, मंदिरों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी इमारतों में इस्तेमाल किए गए पत्थरों के रंग के कारण पेट्रा को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है। 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में इस साइट को 7 न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक का नाम दिया गया था। हालांकि ये साइट व्यापक रूप से इंडियाना जोन्स फिल्म में फिल्मांकन स्थल से जुड़ी हुई है। मेसा वर्डा। मेसा वर्डा नेशनल पार्क दक्षिण पश्चिम कोलोराडो में है। ये लुप्त शहर 1988 में खोजा गया था। मेसा वर्डा अमेरिका में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित प्यूबलोअन चट्टान आवासों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से विशाल क्लिफ पैलेस, जो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा क्लिफ निवास माना जाता है।
ये राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा एक सूचीबद्ध विश्व विरासत स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की विविध संस्कृति, विरासत के स्थानों और कहानियों की एक झलक मिलती है। हालांकि इसके लुप्त होने के कारण अभी भी कई अनसुलझे प्रश्न छोड़ते हैं। टेराकोटा आर्मी चाइना। टेराकोटा आर्मी का निर्माण चीन के प्रथम सम्राट की कब्र के साथ एक आफ्टरलाइफ गार्ड के रूप में किया गया था। हजारों विस्तृत जीवन आकार के टेराकोटा सैनिक मॉडल हैं, जो चीन के पहले सम्राट किनचिन हुआंग के रक्षक सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 29 मार्च 1974 को एक किसान कुआं खोदने के लिए निकला था, लेकिन कुछ घंटे बाद उसने अनजाने में टेराकोटा योद्धाओं की खोज करी। 8,000 से अधिक विस्तृत जीवन आकार सैनिक खुदाई में निकाले गए। 2010 बीसी में किनचिन हुआंग ने अपनी मृत्यु के समय इच्छा रखी और उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सैनिकों की मूर्तियों के साथ दफनाना जाना चाहिए। मेरी रक्षा के लिए शीरन का टेराकोटा आर्मी म्यूजियम को एक बार अवश्य देखना चाहिए। टिकल ग्वाचमाला। तक्षशिला पाकिस्तान। तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला 600 ईसा पूर्व और 500 ईस्वी के बीच प्राचीन भारत के गंधार राज्य में पनपा, लेकिन प्राचीन भारत का यह भाग अब पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में है। तक्षशिला का उल्लेख भारतीय और ग्रीको रोमन साहित्यिक स्रोतों और दो चीनी बौद्ध ग्रंथों से मिलता है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार तक्षशिला की स्थापना राजा भरत ने की थी, जो भगवान राम के भाई थे। कहा जाता है कि इस शहर का नाम भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर रखा गया था, जो तक्षशिला के पहले शासक। ये गिरावट के बाद लगभग 1000 वर्षों के लिए लुप्त हो गया था। 1800 के दशक के अंत में ब्रिटिश राज के अलेक्जेंडर कनिंघम इस लुप्त शहर को प्रकाश में लाए थे, पर 1900 के दशक के प्रारंभ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पहले निर्देशक जॉन मार्शल के तरह मुख्य रूप से ये दुनिया के सामने आया। 1980 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में नामांकित कर दिया गया। विजयनगर इंडिया। विजयनगर साम्राज्य अपनी दक्षता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। उनके द्वारा निर्मित मंदिरों और जटिल नक्काशी अविश्वसनीय है। विशाल पत्थरों के वैगन, 8 फुट ऊंचे पत्थर के घोड़े और 11 गुंबददार हाथी की एक पंक्ति, ये एक समृद्ध समुदाय भी था। 1565 के दौरान एक युद्ध ने शहर को बर्बाद कर दिया और इसे छोड़ दिया गया। 1799 में स्कॉटिश सेना के अधिकारी कॉलिन मैकेंजी दक्षिण भारत के डेकन प्लेट्यू क्षेत्र में थे। जब वे प्राचीन खंडर में पहुंचे, उन्होंने विजयनगर की खोज के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन वे इस बारे में अनिश्चित थे कि उन्होंने क्या खोजा था। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो एक महान साम्राज्य के अवशेषों को देख रहे थे, जो 14वीं शताब्दी से पूर्व के थे। हम्पी की ये शानदार रिस्टोर स्मारक 1986 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, जो मध्य कर्नाटक राज्य के विजयनगर में स्थित है। अब इस लुप्त शहर को देखने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। स्कैराब्रे स्कॉटलैंड। स्टोनहेंज और ग्रेट पिरामिड से भी पुराना स्कैराब्रे को स्कॉटिश बॉम्बई के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित है। ये स्कॉटलैंड के ऑर्कने द्वीप समूह में सबसे बड़े द्वीप पर एक पत्थर से निर्मित नवपाषाण बस्ती है, जिसे 1850 से 1920 के दशक के दौरान खोजा गया था। 1850 की सर्दियों में स्कॉटलैंड में एक बड़ा तूफान आया, जिससे लगभग 200 लोगों की मौत हो गई। अगले दिन ऑर्नाई द्वीपों में ग्रामीणों ने पाया कि तूफान ने एक चट्टान के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया, जिसे पत्थर की छत वाले घरों की छिपी हुई बस्ती को उजागर किया। स्थानीय लैरीड्स विलियम वॉट ने 4 घरों की खुदाई की तो पाया कि ये बहुत ही नाजुक है और इस स्थल को संरक्षण की आवश्यकता है। स्कैराब्रे 1999 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया।
सिगिरिया श्रीलंका। 1831 में ब्रिटिश सेना के मेजर जोनाथन फोर्ब्स मध्य श्रीलंका के घने और हरे भरे जंगल में हैक करते हुए पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। यह सिगिरिया का झाड़ी से ढका शिखर था। फोर्ब्स ने एक पौराणिक लुप्त शहर को फिर से खोजा था, जिसे 14वीं शताब्दी के बाद छोड़ दिया गया। सिगिरिया का अर्थ है शेर, और यह शहर एक विशाल शेर के प्रवेश द्वार से घिरा हुआ है। दुख की बात यह है कि इसका सिर गायब है। सिगिरिया का निर्माण जंगल के ऊपर 650 फीट पर एक पहाड़ की चोटी पर किया गया था। शुरुआत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध मठ के रूप में, फिर 800 साल बाद राजा कश्यप ने वहां एक भव्य महल का निर्माण किया। चट्टान के शीर्ष पर पहुंचने के लिए एक 1200 सीढ़ियों पर चढ़ने में लगभग एक घंटे का समय लगता है, पर इस चढ़ाई के बाद अद्भुत उद्यान से घिरा स्काई पैलेस, फूल और रंगीन चित्रों का दृश्य सारी थकान उतार देता है। यूनेस्को ने 1982 में सिगिरिया को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। हम कितने भाग्यशाली हैं कि दुनिया के इन प्राचीन लुप्त शहरों को फिर से खोजा गया और हमें इन महान सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो अगर आपका कभी मन हो तो छुट्टियों में इन खूबसूरत जगहों पर जाने का प्लान बनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। प्लीज कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।